जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आज से हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का भी घटना चक्र स्टार्ट करेंगे पैरेलली। इकोनॉमिक्स चलेगा बट उसके साथ हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि इसमें 237 पेजेस ये शो कर रहा है। लेट्स सी, इसमें जो इंडेक्स है पहले एक बार उसको देख लेते हैं, अकॉर्डिंगली फिर हम आगे चलेंगे। टोटल 11 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड आई थिंक दिस इज़ अ बिग चैप्टर बिकॉज इट्स फ्रॉम पेज नंबर 9 to 30। लेट्स चेक आउट। ओके, दे हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन इन द बिगिनिंग। ओह, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन, एवरी थिंग मेड अ बुक आउट ऑफ इट आई थिंक। अच्छा, वैसे भी एज वी हैव सीन इन द हिस्ट्री ऑल्सो कि मोस्टली वही इन्फॉर्मेशन सारी, मोस्टली क्या 100% वही इन्फॉर्मेशन होती है जो बाहर क्वेश्चंस में होती है, बस उसको ये एक फॉर्मेट में इनिशियली दे देते हैं टू रिवाइज एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस बिकॉज ये हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के साथ करेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड दे हैव डिसइंटीग्रेटेड इट इनटू बेसिक क्वेश्चंस एंड आई थिंक हाई लेवल क्वेश्चंस। देर आर टू सेक्शंस, लेट्स सी, या हाई लेवल्स क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो इसी में उन्होंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया और हम भी इसको देखते हैं, कोशिश करेंगे दो पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन फॉर द डे फ्रॉम चैप्टर वन, क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम एनवायरमेंट। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर एज रीजन। असर्शन सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। द रीजन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। वेरी ट्रू। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो कि अभी को भी अभी की नीड्स भी पूरी करता है और आगे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करता है फ्यूचर जनरेशंस को, ठीक है। तो दोनों ही इसमें स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इट हैज़ बीन डिफाइंड इन मेनी वेज। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोटेड डेफिनेशन इज़ फ्रॉम आर कॉमन फ्यूचर, ऑल्सो नोन एज ब्रंटलैंड रिपोर्ट विच केम इन। ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। तो इसमें भी बोला गया था दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। ऑलराइट, सो दिस इज इट। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। रियो अर्थ समिट, देखिए रियो अर्थ समिट तो हुआ था 1992 में। देन ब्रंटलैंड रिपोर्ट अभी हमने देखा 87 में आया था ये। एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1989 में। पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट ये पता नहीं है, लेट्स 1972 में। ओके, सो अब हमें इसको लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो पहला आ जाएगा आपका 4, देन 2, 3 एंड 1। 4, 2, 3, 1 आंसर वुड बी सी, नहीं बी, 4, 2, 3, 1। ओके, सो पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट ये 1972 में आई थी। पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ये अगस्त 1987 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इन्फोर्समेंट हुआ था जनवरी 1989 में और रियो अर्थ समिट हुआ था जून 1992 में। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंट टू द यूनाइटेड नेशंस इन 1987। इस रिपोर्ट का नाम क्या था? इस रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर, जो कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी बोली जाती है। तो दोनों ही नाम है इसके, आर कॉमन फ्यूचर एंड द ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक। सो ये पब्लिश हुई थी किसके द्वारा? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED के द्वारा 1987 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्कशन यहाँ पर हुआ था। एनवायरनमेंट रेफर्स टू, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। सही है।
The sum total of conditions which surround the human beings at a given point of time. True. The interacting system of physical, biological and cultural elements which are interlinked. That is also true. तो सारे ही सही हो जाएंगे. तो एनवायरमेंट जो है ये वर्ड डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड एनविरॉन से, जिसका मतलब होता है एनसर्कल और सराउंड. ठीक है, एनविरॉन का मतलब होता है एनसर्कल और सराउंड. द एनवायरमेंट इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड इन्वॉल्व्स एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. इसमें क्या क्या आ जाएगा? टोटैलिटी ऑफ ऑल सोशल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली दैट कंपोज नेचर एंड ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स. इट रेफर्स टू द टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड्स मैन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम. एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज सोशल, कल्चरल एंड फिजिकल कंडीशन दैट सराउंड अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स एज डिफाइंड इन द EPA, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन द वाटर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी. सो स्टेटमेंट डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. इनमें से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी एलिवेशन, एयर कंडीशनिंग है, पेपर बैग्स है. बी होना चाहिए इसका आंसर. लेट्स चेक. यस, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ यूज़ ऑफ पेपर बैग्स हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट. देखिए, इसीलिए प्लास्टिक बैन की करने की बात हुई थी. ऑल दो बैन हुई है, बट कहाँ हुई है उसका असर नहीं दिखता है. बाकी एयर कंडीशनिंग का भी एक नेगेटिव इफेक्ट होता है एनवायरमेंट पे, बिकॉज इट अफेक्ट्स ओजोन लेयर. पॉवर्टी एलिवेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट पे. अल्टरनेटिवली पॉवर्टी जो है वो इनडायरेक्टली लिंक है कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है पेपर बैग्स, एयर कंडीशनिंग, ये डायरेक्टली हैं. देखिए, विशेष ट्रैप हर चीज़ का होता है. अब आप पॉवर्टी एलिवेशन की बात करेंगे, अगर गरीब हैं तो सस्ती चीज़ लेंगे. सस्ती चीज़ लेंगे तो हम, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हम पेपर बैग्स नहीं ले सकते बिकॉज उसके लिए आपसे 2 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है. तो आप पॉलीथिन यूज़ करोगे, उसके लिए कुछ भी नहीं लिया जा रहा, फ्री में दी जा रही है. ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो बहुत छोटा एग्जांपल है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं क्योंकि विशेष ट्रैप होता है. तो बट वो इनडायरेक्टली है उससे रिलेटेड. बट अगर बाकी तीन ऑप्शंस की बात करेंगे तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? सो इट वॉज इनेक्टेड इन 1986, और ये पूरे देश पर लागू होता है, टू द होल ऑफ इंडिया. व्हेन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अगेन सेम, 1986 अगेन. आई एम नॉट रीडिंग द होल क्वेश्चन बिकॉज सेम क्वेश्चन है. एनवायरमेंट इज अ कॉम्पोजिट स्टेट ऑफ. एनवायरमेंट किस किस का कॉम्पोजिट स्टेट है? बायोटिक, फिजियोग्राफिक, ए बायोटिक, तीनों ही फैक्टर्स का है. तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. एनवायरमेंट में भी डिवाइडेड इनटू बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक एनवायरमेंट्स. बायोटिक जो होता है वो बायोटिक फैक्टर से बना होता है. मतलब कि बायोटिक का मतलब क्या? बायो मतलब लिविंग, सो लिविंग थिंग से बना हुआ है. ए बायोटिक या फिजिकल एनवायरमेंट की बात करेंगे तो वो सारे फिजिकल फैक्टर से बना होता है जो कि ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट इंटेंसिटी हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी है. ये सारी चीज़ें ए बायोटिक फैक्टर्स में आती हैं. जो लिविंग में तो हम नहीं बोल सकते, एज इन कि आपको कोई चलती फिरती चीज़ दिख रही है, बट यस, रिवर्स को भी कहीं कहीं लिविंग स्टेटस दिया है तो इस पर क्लेम हो सकता है. बट एनीवेज, ए बायोटिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट जिसका ह्यूमन पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है. जनरली एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी? ओके, सो एनवायरनमेंट को आप किस किस में रख सकते हो? ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो देखिए, इसका आंसर है ए, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट. जनरली एनवायरनमेंट को क्लासिफाई किया जाता है फिजिकल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल में. फिजिकल एनवायरनमेंट जो है इसमें लैंडफॉर्म्स आ जाते हैं, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आपके जितनी भी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं जो जीवित हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आई एम सो सॉरी. ओके,
ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा. जबकि कल्चरल एनवायरनमेंट जो है इट विल इंक्लूड मैन मेड फीचर्स. तो मैन मेड फीचर्स में क्या आ जाएंगे, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी से भी रिलेटेड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस नहीं होता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ मैटर ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ. तो ये बोल रहे हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये एक इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी की बात हो रही है. इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स, नेचुरल, मटीरियल, इंडस्ट्रियल या सोशल. देखिए, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पे ध्यान दें तो उसमें क्या लिखा गया है कि अभी का काम तो चल ही रहा है बट साथ ही साथ हम फ्यूचर की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं. लेट्स से वाटर, अगर पानी का हम बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो कल के लिए पानी नहीं बचेगा. अगर आपको याद हो एक बहुत पहले ऐड आता था टीवी में अबाउट दिस सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फ्यूल, तो वो उसमें एक बच्चा रेड लाइट पे अपने फादर की कार की चाबी ऑफ कर देता था. व्हाई? बिकॉज आगे की जनरेशन को ये फ्यूल मिल पाए. ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको ये रिन्यूएबल इनको बनने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, तो ये बात हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की. तो जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इट एम्फेसाइज्ड बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, विच डिफाइंड इट एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर. ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ मैटर ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जस्ट एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट्स कंजर्वेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट. ये जो टर्म है दिस वॉज एक्सप्लेन्ड इन WCED, दैट इज़ वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 1987, दैट इज़ अगेन द ब्रंटलैंड रिपोर्ट, आर कॉमन फ्यूचर. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज फुल्ली सपोर्टेड इन एजेंडा 21 ऑल्सो, दैट इज़ द रियो डिक्लेरेशन. तो इसमें भी उसको सपोर्ट किया गया था जो कि अर्थ समिट में होता है. एजेंडा 21 रियो डिक्लेरेशन कब, अभी हमने देखा था, रियो समिट कब हुई थी, 1992 में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज अ प्रोमिनेंट इशू ऑफ द जोहान्सबर्ग समिट 2002. नोटेबली द यूनाइटेड नेशन हैज़ आइडेंटिफाइड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2030 तक रियलाइज करने, कंप्लीट करने की बात हो रही है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हैज़ ऑल्सो इनिशिएटेड टू मेजर द प्रोग्रेस मेड बाई डिफरेंट नेशंस इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग दीज गोल्स. इंपॉर्टेंटली, इंडिया वॉज रैंक्ड 120 आउट ऑफ 165 नेशंस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2021. तो 2021 के इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो था वो 120 था और फर्स्ट रैंक था फिनलैंड का. फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क. इंडिया वॉज इन 120, पाकिस्तान वॉज इन 129. वॉट इज़ ब्लू कार्बन? देखिए, ब्लू कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम. तो ओशियन और कोस्टल इकोसिस्टम के द्वारा कैप्चर किए हुए कार्बन को ब्लू कार्बन टर्म किया हुआ है. और ऑप्शंस भी देख लेते हैं. कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल्स, उसको हम ब्लू कार्बन नहीं बोलते. पेट्रोलियम नेचुरल गैस वाले को भी नहीं बोलते. और जो एटमॉस्फेयर में नॉर्मली प्रेजेंट है उसको भी हम, उसको नॉर्मल कार्बन बोलते हैं. ब्लू कार्बन, ब्लैक कार्बन नहीं बोल रहे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. पानी से हो रहा है तो हमने उसको ब्लू कार्बन टर्म दिया है. सी ग्रासेस, मैंग्रोव्स एंड सॉल्ट मार्शेज अलॉन्ग द कोस्ट कैप्चर एंड होल्ड कार्बन, एक्टिंग एज अ समथिंग कॉल्ड अ कार्बन सिंक. दीज कोस्टल सिस्टम्स, दो मच स्मॉलर इन साइज दैन द प्लैनेट्स फॉरेस्ट, सिक्वेस्टर दिस कार्बन एट अ मच फास्टर रेट एंड कैन कंटिन्यू टू डू सो फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो कार्बन सिंक का भी काम करते हैं. सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर without sacrificing people's comfort in present is the definition of which of the following concept. तो बहुत easy है ये sustainable development. Which of the following sustainable development SDG will target the water availability for all and its permanent management up to 2030 in India. तो देखिए, water के लिए हमने कहीं discuss किए थे सारे goals, तो उसमें मैंने आपको एक sequence भी बताया था, बट आई डोंट रिमेंबर हमने कहाँ डिस्कस किया था. एनीवेज, तो वाटर के लिए जो SDG है वो है SDG 6,
सो 17 SDGs डिफाइन किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिनको रियलाइज़ करना है हमें 2030 तक। इसमें से SDG 6 क्लीन वाटर सैनिटेशन के बारे में, विच इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। आज की डेट में 2.2 बिलियन पीपल दे लैक एक्सेस टू सेफली मैनेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड मोर देन 4.2 बिलियन पीपल लैक सेफली मैनेज्ड सैनिटेशन। द डेकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ, तो ये यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज नॉट द कॉज ऑफ पोल्यूशन नॉर हैज इट्स एडवर्स इफेक्ट्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल एनर्जी इज द सेवेंथ गोल ऑफ 17 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, विच विद अ कॉल टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल बाय 2030। तो 2030 तक ये गोल्स अचीव करने की बात की गई है। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव्स एक्ट्स इन सपोर्ट ऑफ द 2014 टू 2024 डेकेड। 2014 से ये शुरू हुआ था और आज हम 2024 में हैं। ये एक डेकेड मनाया गया था सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, और ये डिक्लेयर किया था UN जनरल असेंबली ने। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बताना। नीति आयोग जो है वो इंप्लीमेंट करती है इसको। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, 5th जून। तो हर साल 5th जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। चाइना जो है वो ग्लोबल होस्ट था 2019 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, विद वाटर पोल्यूशन एज द थीम। 2021 में जो थीम थी वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, वो थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 5th जून को। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम है। टू थाउजेंड फोर्टीन ट्वेल्व इलेवन देन सेवन सिक्स फोर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक क्वेश्चन है और कम बहुत बार रिपीट हुआ ये। ठीक है, तो ये कब सेलिब्रेट होता है? ये होता है 5 जून को, 5th जून। और थीम हमने 2024 की अगर आपको थीम याद हो तो इस समय मुझे आई कैन नॉट रिकॉल, बट एज फार एज आई रिमेंबर इट वाज समथिंग लैंड रिस्टोरेशन और डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड थीम थी। देयर वाज समथिंग रिलेटेड टू ड्रॉट और डेजर्टिफिकेशन, कि लैंड को रिस्टोर करने के लिए कुछ था। सो प्लीज़ चेक इट आउट एंड मैंशन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू गेट इट, इफ़ यू रिमेंबर तो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड इन 1962 विच सेट द टोन ऑफ एन एनवायरमेंटल मूवमेंट इन द वर्ल्ड वॉज रिटन बाय। तो साइलेंट स्प्रिंग जो बुक थी वो लिखी थी रेचल कार्सन ने, और ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बुक पब्लिश की थी 1962 में। अ कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कंट्री का जो नेचुरल कैपिटल है उसमें सब कुछ आएगा एक्सेप्ट क्या? फॉरेस्ट नेचुरल हैं, वाटर भी नेचुरल है, रोड्स देखिए नेचुरल नहीं है, हमने बनाई हैं, मिनरल्स नेचुरल हैं। ठीक है, सो नेचुरल कैपिटल में वो सब आता है जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनवायरमेंटल सोर्सेज होते हैं। इसमें वाटर, एयर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ओनली दो सोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाई नेचर, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, दे कैन बी डीम्ड एज नेचुरल कैपिटल। तो रोड्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं की जा सकती। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की बात करें तो जो कभी नहीं ख़त्म होने हैं, मतलब नॉट इन द नियर फ्यूचर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, रेन, एटमिक एनर्जी। एग्जॉस्टिबल में दो तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आते हैं फॉरेस्ट, पाश्चर, वाटर सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, वाइल्ड एनिमल, सॉइल। नॉन रिन्यूएबल में बायोटिक और एबायोटिक में डिफ्रेंशिएट करते हैं। बायोटिक में सारी बायोटिक स्पीशीज़ आ जाएंगी, दोज आर लिविंग स्पीशीज़। एबायोटिक में पेट्रोल, कोल, गैस, जिप्सम, मेटल्स, ये एबायोटिक में आ जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018? सो इट वाज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और उसी साल इंडिया ने भी इसको होस्ट किया था एंड 5th जून को।
चाइना वॉज द ग्लोबल होस्ट ऑफ 2019 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. उसका थीम था एयर पोल्यूशन. 2020 का थीम था बायोडाइवर्सिटी. 2021 का थीम था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. इसमें पाकिस्तान ग्लोबल होस्ट बना था. मेन रोल रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन. अब इन सब में से मेन रोल सोलर रेडिएशन का कहाँ आता है? वाटर साइकिल में आता है. वाटर साइकिल जो है वो ड्रिवन होती है प्राइमरली बाय द एनर्जी फ्रॉम द सन. दिस सोलर रेडिएशन ड्राइव्स द साइकिल ऑफ इवेपोरेटिंग वाटर फ्रॉम ओशियन, लेक, रिवर एंड इवन सॉइल. इट फॉर्म्स वाटर वेपर एंड क्लाउड्स वेयर वाटर ड्रॉपलेट्स इवेंचुअली गेन इनफ मास. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इससे क्लाउड्स बनते हैं और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं दे गेन इवेंचुअली इनफ मास टू फॉल बैक ऑन अर्थ. ठीक, तो ये प्रोसेस तो आपने पढ़ी होगी कि कैसे बादल बन रहे हैं और उसके बाद कैसे बारिश हो रही है, जो फॉल बैक कैसे हो रहा है इनका ड्रॉपलेट्स का, तो ये आपने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में. सो दे गेन इनफ मास टू फॉल बैक टू द अर्थ. वाटर साइकिल इज एसेंशियली अ क्लोज सिस्टम. मतलब कि जो वॉल्यूम है वाटर का दैट इज़ इन द हाइड्रोस्फीयर टुडे इज सेम अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज़ बीन प्रेजेंट इन द अर्थ सिस्टम. ठीक. नेक्स्ट, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी. देखिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं नीरी. नीरी से आपको ज़्यादा याद रहेगा. एन फॉर नीरी, एन फॉर नागपुर. न्यू दिल्ली मत कर देना. सो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट नीरी, नागपुर. एंड इट वॉज फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन नागपुर इन 1958 एज अ सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विथ फोकस ऑन वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल एंड रिलेटेड डिसीजेज एंड टू सम एक्सटेंट ऑन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. नीरी इज अ पायनियरिंग लेबोरेटरी इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. नीरी के पास 5 लेबोरेटरीज हैं, जोनल, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई. एंड इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. व्हेन एंड वेयर द नीरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड? सो 1958, नागपुर. वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. डिक्रीजिंग द पॉवर्टी दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नॉट अ डायरेक्ट इफेक्ट बट एन इनडायरेक्ट इफेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है. सो ऑल ऑफ दीज. It is imperative for achieving the goal of sustainable development to make policies on information about environment and ecology. Presently, sustainable development has become an alternative approach to the theories of development. Certain information are required for policy formulation on sustainable development. Next, the common carbon metric supported by UNEP has been developed for. So, common carbon metric jo hai, which is supported by UNEP, United Nations Environment. इसके द्वारा जो डेवलप्ड है. सो इसका काम क्या है? असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है. सो कॉमन कार्बन मेट्रिक. ठीक है, तो इसका काम क्या है? असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड. ऑलराइट, ये कॉमन कार्बन मेट्रिक फॉर मेजरिंग एनर्जी यूज एंड रिपोर्टिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फॉर बिल्डिंग ऑपरेशंस. लीडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव थ्रू इंटेंसिव इंटरनेशनल कोऑपरेशंस डेवलप्ड अ यूनिवर्सल मेथड ऑफ मेजरिंग अ बिल्डिंग्स कार्बन फुटप्रिंट. ये जो कॉमन कार्बन मेट्रिक है ये क्या है? इट इज़ द कैलकुलेशन यूज टू डिफाइन मेजरमेंट, रिपोर्टिंग एंड वेरीफिकेशन ऑफ जीएचजी एमिशन के. तो इसको मेजर करते हैं, वेरीफाई करते हैं, विच इज़ एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ बिल्डिंग टाइप्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लाइमेट रीजन. ठीक है, तो कोई जो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए कितना ये एमिट कर रहा है वो इसमें मेजर किया जाता है. वेल इट इज़ नॉट अ बिल्डिंग रेटिंग टूल, इट इज़ कंसिस्टेंट विद द मेथड्स ऑफ असेसिंग द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग्स यूज्ड ग्लोबली, जैसे कि वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जीएचजी प्रोटोकॉल एटसेट्रा. तो ये डेवलप सपोर्ट कौन करता है इसको? यूनेप करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन मेट्रिक साइकिल. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट. तो इनमें से स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? गुड गवर्नेंस है, क्लीन ग्रीन एनर्जी है, स्टेबलाइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्मार्ट मोबिलिटी. देखिए स्टेबलाइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है,
स्मार्ट मोबिलिटी है, ऑल्दो ये सब होगा तो ऑलरेडी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाएगी, बट डायरेक्ट में नहीं आता है। स्मार्ट सिटी मिशन एक इनोवेटिव और न्यू इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, न्यू मतलब 2016-17 के आसपास ही आया था, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाई इनेबलिंग लोकल डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स टू क्रिएट शॉर्ट स्मार्ट आउटकम्स फॉर सिटीजन। द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द मिशन आर, क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसके, एडिक्यूट वाटर सप्लाई, एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सैनिटेशन इंक्लूडिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर पुअर, रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, गुड गवर्नेंस स्पेशली ई गवर्नेंस एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल एनवायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन पर्टिकुलरली वुमेन चिल्ड्रन एंड एल्डरली, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये इसमें इनके गोल हैं। नेक्स्ट इज अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट, अब ये 2003 की बात कर रहे हैं तो उस समय हुई थी रियो डे जेनेरियो में, सॉरी एनुअल मीटिंग नहीं, फर्स्ट अर्थ समिट जो हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वो रियो डे जेनेरियो में हुई थी 1992 में। 2012 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी रियो में हुई थी और इसको रियो प्लस 20 बोला गया था या फिर रियो अर्थ समिट 2012 बोला गया था। आई वॉज कन्फ्यूज विद द एनुअल समिट। What was the title of Rio 20 declaration? इसका टाइटल था The Future We Want। तो United Nation Conference on Sustainable Development इसको Rio 2012 या Rio Plus 20 या Earth Summit 2012 भी बोलते हैं। It was the third International Conference on Sustainable Development which was hosted by Brazil in Rio de Janeiro. Primary result of the conference was the non-binding document The Future We Want which was a 49-page action plan. The first Earth Summit was held at to Rio de Janeiro. International conference held in Rio de Janeiro was to ye thi United Nations Conference on Sustainable Development. What is the thin layer of gases around the earth called? So thin layer of gas ko bolte hain atmosphere. The thin layer of gases surrounding the earth is called atmosphere. Majority of the earth atmosphere consists of a high amount of nitrogen along with the smaller amounts of oxygen and carbon dioxide. एयर क्या है? एयर इज़ एन कंपाउंड एलिमेंट मिक्सचर और इलेक्ट्रोलाइट। तो एक मिक्सचर है अलग अलग परसेंटेज ऑफ गैसेस का, 78% जो मिक्सचर है वो नाइट्रोजन है, 21 इज़ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, वाटर वेपर, ओजोन, ये सब बाकी चीज़ें मिला के भी स्मॉल क्वांटिटीज़ क्रिएट करती हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन इज 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 एंड neon 0.002, helium is 0.005, krypton 0.001, xenon is 0.00009, hydrogen is again 0.00005%। तो देखिए इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेनली ये दिमाग में रखना है कि अराउंड 78 ये है, 21 ये है, रेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम 0.003 बोल देते हैं और बाकी मिला के ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1% बचता है अराउंड, उसको ये कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर, तो ये है 0.03। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर, सो रेडॉन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी हीलियम, आर्गन, नियॉन होते हैं। इन द एटमॉस्फेयर द हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ नाइट्रोजन, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन अगेन। If all the plants and trees vanish from the earth, the gas which will decrease is, तो अगर सब कुछ vanish हो जाएगा तो gas जो decrease होगी वो कौन सी होगी, वो oxygen होगी, because पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, oxygen बना रहे हैं, we inhale the oxygen, हम लोग तो carbon dioxide release करते हैं, तो अगर सारे पेड़ पौधे ये सब ख़त्म हो जाएगा तो एक तरीके से life भी ख़त्म होगी। So we need oxygen to survive and we depend on trees to provide this oxygen to make food for ourselves. Trees go through a process known as photosynthesis, where they take in carbon dioxide from the air and release oxygen back into the atmosphere. Hence option D जो है वो correct answer है। Which of the following is not a function of the tree? Absorption of carbon dioxide है, absorption of noise भी है, air pollution, air pollution करता नहीं है, जो pollution हो रहा है उसको absorb कर रहा है कहीं ना कहीं, releasing oxygen, तो C इसका answer हो जाएगा। Trees contribute to the environment by providing oxygen, improving air quality, क्लाइमेट एमोलेशन, कंजर्विंग वाटर, प्रिजर्विंग सॉइल, सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ, तो सब कुछ दे रहा है इनफैक्ट, लेकिन आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, वी आर ओनली कटिंग द ट्रीज विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट आर लंग्स आर लाइंग ऑन द ट्रीज ओनली। ओके,
So hence they clean the environment and are not the reason behind air pollution. In addition to this, trees on both sides of the roads reduce the sound pollution by reducing the intensity of sound by 10 to 15 decibels. इसीलिए इनको मफलर भी बोला जाता है, ग्रीन मफलर्स. Consider the following: photosynthesis, respiration, decay of organic matter and volcanic action. इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करती हैं एनवायरनमेंट में या अर्थ पे? तो देखिए, फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, बाकी सब करते हैं. रेस्पिरेशन के टाइम पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर के डीके पे भी हो रही है, वॉल्केनिक एक्शन पे भी हो रही है. द प्लांट्स डू नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल, रादर दे रिलीज ऑक्सीजन एंड कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड. दीज थ्री नेचुरल एलोटॉप्स ऑफ एलिमेंटल कार्बन आर फिलरीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड. बिसाइड्स एज अ कंपाउंड इट इज़ फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन प्लैनेट अर्थ? तो फोटोसिंथेसिस ऐड नहीं करता है. देखिए, दो बार में ही क्वेश्चन, दोनों बार में बस सेम ही क्वेश्चन है, बट अलग अलग बस तरीके से पूछ लिया. इसमें पूछा था कौन करता है और इसमें कौन नहीं करता है, मतलब उसमें चार पॉइंट्स में डाल दिया था उन्होंने. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेट्स टू डिपोजिशन ऑफ डीकम्पोज मटीरियल, चेंज इन वेदरिंग कंडीशंस डे टू डे, नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. ट्रू, तो ये इसमें सही हो जाएगा. सी, वेदरिंग इज डिफाइंड इन द एज द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. वेदरिंग प्रोसेसेस आर कंडीशनड बाय मेनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक एंड वेजिटेटिव फैक्टर्स. नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? तो ये है जेनेवा में. WMO provides a framework for international cooperation in the development of meteorology and operational hydrology and the practical application. It originated from the International Meteorological Organization, which was founded in 1873 to facilitate the exchange of weather information across national borders. WMO became a specialized agency of United Nations on 17th March 1951. Notably, the World Meteorological Convention was implemented on 23rd March 1950. It has its headquarter in Geneva, Switzerland. Headquarter of UNEP is located at the United Nations Environment Program का जो headquarter है वो कहाँ पर है? बहुत ही easy इन्होंने options रखे हैं. It is in Nairobi. Alright? Sorry, Nairobi. So ये establish हुआ था UNEP 1972 में. इसका headquarter Nairobi, Kenya में है. And अभी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हैं? आई हैव नो आइडिया. सो इफ़ यू नो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. एंड उस समय तो इंगर एंडरसन थे. वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम? सो इट इज़ अगेन नैरोबी. वेयर वॉज द फोर्थ सेशन ऑफ यूनेप, सॉरी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली हेल्ड रिसेंटली? रिसेंटली 2019 की बात है. तो ये हुई थी नैरोबी, केन्या में. Fourth session of UNEA 4 took place from 11 to 15 March 2019 in Nairobi, Kenya. Theme iska tha innovative solution for environmental challenges and sustainable consumption and production. It is noteworthy that the fifth session of UNEA will take place virtually in Nairobi in February, took place in virtually in Nairobi in February 2021. Strengthening actions for nature to achieve the sustainable development goals iski theme thi. A resumed in-person sessions for UNEA 5 is scheduled to make from 28th February to 2nd of March 2022. What does EPA stands for? तो EPA का मतलब क्या होता है? EPA का मतलब होता है Environment Protection Agency. ये एक एजेंसी है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ US की, which created for the purpose of protecting human health and environment by writing and enforcing the regulations based on laws passed by the Congress. It was established on 2nd December 1970. In which of the following institutes the Environment Information System (ENVIS) Center on Population and Environment is located? तो ये कहाँ located है? ये है मुंबई में.
in the International Institute of Population Sciences, Mumbai. NEA stands for National Environment Authority. So National Environment Appellate Authority, better known as NEA, was set up by the Ministry of Environment and Forest to address cases in which environment clearances were required to in certain restricted areas. It was established by National Environment Appellate Authority Act 1997 to hear the appeals with respect to restriction of areas in which any industries, operations or processes shall or shall not be carried out, subject to certain safeguards under the Environment Protection Act 1986. On the establishment of National Green Tribunal on 18th October 2010 under the National Green Tribunal Act 2010, NEAA stands dissolved. Next question. The headquarters of Greenpeace International is located at. So Greenpeace International ka jo headquarter hai wo kahan par hai? Wo hai Amsterdam mein. Greenpeace is a non-governmental environmental organization jiska offices over 55 countries mein located hai. And headquarter hai iska Amsterdam, Netherlands mein. Greenpeace states its goal to ensure the ability of the earth to nurture the life in all diversity. EcoMark is given to an Indian product which is. तो इको मार्क किस लिए दिया जाता है? प्योर है, अनएडल्ट्रेटेड के लिए, रिच इन प्रोटीन के लिए, इकोनॉमिकली वाइबल या एनवायरनमेंट फ्रेंडली. सो इट इज़ गिवन फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. सो एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो कि इशू किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा टू द प्रोडक्ट्स कन्फर्मिंग टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एम्ड एट इंश्योरिंग द लीस्ट इम्पैक्ट ऑन इको सिस्टम. द मार्किंग स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1991. तो इको मार्क स्कीम जो है वो 1991 में स्टार्ट हुई थी. To label environment-friendly consumer products, the government has introduced, so again, EcoMark, ये institute की थी Government of India के द्वारा 1991 में. Notably, the scheme is being administered by Bureau of Indian Standard. It is important to mention that the scheme covers products categories जैसे कि क्या क्या आ जाएगा इसमें, soaps, detergents, food items, lubricating oil, packaging material, packing या packaging material, architectural paints and powders, coatings, batteries, electric and electronic goods, food additives, wood substitute, cosmetics, aerosols and propellants, plastic products, textiles, fire extinguisher, leather and coir products. ठीक है. Next, according to Sustainable Development Goal India Index 2019 recently released by Niti Aayog, which states hold the first position. तो देखिए उस समय तो केरला फर्स्ट था SDG इंडेक्स में और 2021 में केरला अगेन टॉप पर ही था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 स्टेट्स ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1920. सो उस समय था आपका गुजरात. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कि टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस ग्रीन हाउस फार्मिंग. ग्रीन हाउस फार्मिंग किस ज़्यादातर कहाँ इंट्रोड्यूस हुई है? पंजाब में. एंड मार्कफेड ऑफ पंजाब एंड सया ग्रुप ऑफ इसराइल, इन्होंने साइन किया था एक एग्रीमेंट टू ग्रो द वेजिटेबल्स इन ग्रीन हाउसेज फार्मिंग ऑन 21st April 2001. इट इज़ अ यूनिक फार्म प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स विद इन शेल्टर्ड स्ट्रक्चर कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट और पार्शली ट्रांसपेरेंट मटीरियल. Given below are two statement. Assertion बोल रहा है that natural vegetation is the true index of climate. Reason is water loving plants are found in a moist climate. So दोनों ही सही है एक तरीके से. Nature को अगर आपको देखना है कि सही चल रहा है कि नहीं, तो आप plants और particularly कुछ insects पे ध्यान दे के बता सकते हैं. So here we are talking about plants. So we'll see कि natural vegetation जो है वो true index होती है of climate and increase in the quantity of carbon dioxide in the atmosphere. Also affects the natural vegetation. Water loving या aquatic plants वो होते हैं which are found mostly in the muddy water land and near the pond. They are found in the most climate. Reduction of moisture in the atmosphere results in the decrease of results in the erosion of such plants. तो दोनों ही इसमें सही हैं. Last question आज का. Urbanization and industrialization are harmful. किस लिए? बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए. अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हार्मफुल है फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन. तो सभी के लिए एक तरीके से वो हार्मफुल है. ऑलराइट, सो एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हार्मफुल होते हैं टू बैलेंस द डेवलपमेंट ऑफ
एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. तो यहाँ हमने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं. नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे दैट वुड बी ऑफ हाई लेवल क्वेश्चंस, और उसके साथ हमारा पहला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. ऑलराइट, सो जय हिंद जय भारत.